तो गाइस अब हम जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर देखने और यहाँ पर तो गाइस अब हम जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर और वहाँ करेंगे भगवान जी के दर्शन। जैसे कि आप देख सकते हो मॉर्निंग में हरिद्वार में है और बहुत ही बढ़िया फीलिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे तिलक लगवा सकते हो आप किसी भी तरीके का और काफ़ी सारी शॉपिंग कर सकते हो, गंगा जी के दर्शन तो कर ही सकते हो। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ है मनसा देवी का मंदिर और अब हम वहीं जा रहे हैं। देखिए गाइस वहाँ पर ट्रॉली भी चल रही है, पैदल का भी रास्ता भी, देखते हैं गाइस कि हम कौन सा वाला रास्ता अपनाएंगे। लेकिन अभी हम वहाँ जा रहे हैं मनसा देवी के मंदिर भगवान जी के दर्शन करने। गाइस गंगा माँ के दर्शन करते हुए और अब हम जा रहे हैं वहाँ पर मनसा देवी मंदिर, तो थोड़ी देर में गाइस मिलते हैं। तो गाइस मनसा देवी मंदिर जा रहे हैं, चढ़ाई करके थोड़ी आए और अब और चढ़ाई करके जाएंगे। पहले गाइस हम ट्रॉली से जा रहे थे लेकिन वहाँ पर ना एक घंटे की वेटिंग दिखा रहा था इसलिए हम पैदल आए। वैसे हमारी इच्छा पैदल जाने की ही थी शुरू से, क्योंकि गाइस मतलब हम तपस्या करेंगे तभी भगवान के दर्शन करेंगे, उसी में मज़ा है। तो गाइस अब हम कुछ पहाड़ चढ़ चुके हैं और कुछ अभी चढ़ने वाले हैं, हम दिखा सकते हैं आपको यहाँ पर कि किस तरीके का माहौल है। हम जस्ट चढ़ाई जो है वो मनसा देवी मंदिर की अभी स्टार्ट करने वाले, पीछे जो हमारे द्वार देख रहे हो गाइस आप, यहीं से हमें जस्ट चढ़ाई स्टार्ट करनी है मनसा देवी मंदिर के लिए। और ये पूरे के पूरे जो है पहाड़ के ऊपर है, लोग यहाँ भक्ति में लीन हैं और भगवान का नाम लेकर ऊपर चढ़ और उतर रहे हैं। और गाइस वही हम अब करने वाले हैं, तो आपको हम गाइस अपडेट करते रहेंगे। गाइस माँ मनसा देवी की चढ़ाई करते हुए पीछे आप देख सकते हैं हमारे पूरा हरिद्वार शहर। हम अभी चढ़ाई करें और लोग भी गाइस चढ़ाई करते जा रहे हैं माँ मनसा देवी के मंदिर जाते हुए। तो गाइस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको अपनी जर्नी दिखाते रहेंगे। गाइस रास्ते में अभी हम और आप माँ गंगे के भी पीछे हमारे दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस चढ़ाई अभी जारी है और अभी हमें इतनी ऊपर और ऊपर जाना है। गाइस माँ मनसा देवी के मंदिर के लिए चढ़ाई अभी जारी है, जोश उतना ही है, बढ़ता जा रहा है। गाइस माँ मनसा देवी के मंदिर के लिए चढ़ाई जारी है, तपस्या करते जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। पहुँच कर आपको अपडेट देते हैं। गाइस पहाड़ों में इतना बड़ा एलोवेरा पहली बार देखा है। गाइस बचपन में कभी मम्मी और के साथ ही आए थे यहाँ पे, है ना, नानू नानी और के साथ ही आए थे कभी बचपन में। और अब गाइस हम चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ाई जारी है, हिम्मत गाइस कम नहीं हुई है। तो गाइस हमने ले लिया माता रानी जी के लिए प्रसाद और अब हम पहुँचने ही वाले हैं। बस गाइस थोड़ी सी देखिए चढ़ाई बाकी है, बस थोड़ी सी। गाइस आज हमने जंगल में उस कल्प्रिट को पकड़ ही लिया, झिंगुर जो इतना शोर मचा रहा है, सुन पा रहे हो, यही होता है गाइस वो झिंगुर। गाइस मनसा देवी जी के मंदिर पहुंचते हुए यहाँ से देख सकते हैं आप नीचे पूरे हरिद्वार का व्यू। गाइस यहाँ से आप देख सकते हो पूरे हरिद्वार का व्यू, गंगा माँ के दर्शन भी आप कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। गाइस हरिद्वार का और माँ गंगे का ये व्यू आपको दिखाना बनता था। देख रहे हैं गाइस कितना ही बढ़िया लग रहा है, माँ गंगे हरिद्वार से गुजरती हुई इस धरती को हमारे देश की पावन करती है, बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा। गाइस माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए मेहनत करते हुए लाइनों में लगे हुए भक्त जन और भीड़ आप देख सकते हैं। तो गाइस माँ मनसा देवी के मंदिर हम होकर आ चुके हैं, दर्शन हमने कर लिए हैं, मन्नत मांग ली है और अब हम वापस लौट के जा रहे हैं होटल की तरफ। गाइस एक बात है, थक बहुत गए
पैरों से बिल्कुल चला नहीं जा रहा, पर माँ गंगे को देखकर वो एनर्जी जो है वो लौट आ रही है। मन कर रहा है गाइस हमेशा के लिए हम यहीं हरिद्वार में बस जाएं।